आज हम परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना सीखते हैं। हमारे पास एक सवाल है, 1/5 और 1/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा हम सवाल है 1/5, जैसा सवाल है 1/5 और 1/7 के बीच कितना परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्याएं हमें मालूम करना है। तो देखिए कैसे मालूम करेंगे, 1/5 और मैं इधर लिख लेता हूँ 1/7। हमें जो दोनों परिमेय संख्याएं उनके हर को बराबर करना है। तो कोई ऐसी संख्या से हम इसके अंश और हर में गुणा करें कि जो दोनों संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं उनके हर बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, या एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ गुणा कर देंगे 7/7 का और यहाँ 5/5। हमेशा याद रखिए। और देखिए यहाँ क्या है, 7/35, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा 5/5 और 5/35, दोनों के हर बराबर हो चुके, 7/35 और 5/35, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कितनी परिमेय संख्याएं मालूम करनी है, 3 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 का गुणा इसके अंश और हर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 7/35 और इसके अंश और हर में 4 का गुणा, और यहाँ भी 5/35 और इसके अंश और हर में 4 का गुणा। 3 ज्ञात करना है तो 4, अगर 5 ज्ञात करना है तो 5 और 1 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ गुणा करते हैं, क्या मिला देखिए, 7 28 और 4 5 20 शून्य और 4 12 14, 28/140, और यहाँ क्या मिलेगा, 5 20 और यहाँ भी 140, ठीक है। यहाँ हो गया 28/140 और यहाँ 20/140। तो 20/140 को पहले रख लेते हैं और 28/140 को यहाँ। अब देखिए इनके बीच 20/140, तो यहाँ 20 के बाद 21/140, फिर 22/140, 23/140, 24/140, 25/, क्योंकि हमें 3 का है तो 3 निकाल लिए, 5 भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यह हुआ पहला तरीका, ध्यान से देखिए और समझ लीजिए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, वह बहुत ही आसान है और उसे हम जब पढ़ते थे तो वही तरीका हम अपनाते थे। अगर दो परिमेय संख्याएं ए और बी है, जहाँ ए छोटा है बी से, तो यहाँ जो परिमेय संख्या का फार्मूला निकलता था 1/2 a+b, या इसे हम कहते हैं a+b/2। और इस तरीके से भी हम इनके बीच परिमेय संख्या मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ ए मान लीजिए 1/5 और बी को मान लीजिए 1/4। अब शुरुआत कीजिए परिमेय संख्या मालूम करने की, तो यही सूत्र लगाएंगे, 1/2 a+b, 1/5 और प्लस 1/7 निकाल लेते हैं। 1/2 ही कहने देते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाएगा 35 और 5/7, तो यहाँ 7 का गुणा होगा और 7 5 तो यहाँ 5, ठीक है। तो 7 1 4 और 5 1 5, तो
क्या मिल गया हमें 12 और बटे 35 दूनी 70। तो यह हो गया एक परिमेय संख्या 12/70। अब दूसरी मान लो करते हैं, तो सूत्र होगा वही 1/2, यहाँ a 1/5 और इसको b बना लेते हैं 12/70। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम, तो 70 जो है 5 से डिवाइड होता है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 70। अब 5 से डिवाइड करें 70 को, तो 14 उसका गुणा यहाँ होगा, तो 14 प्लस 70 से 70 को डिवाइड करेंगे 1 और उसका गुणा यहाँ क्या हो गया इस तरह से। अब इनको जोड़ लेते हैं 14 और 12 26 और बटा 70 × 104। तो यह हमारी दूसरी परिमेय संख्या। अब तीसरी भी इसी तरह से निकाल लेते हैं 1/2a, 1/5 को a मानिए प्लस b, इसको b ले लेते हैं 26/140। यहाँ भी 140 5 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम 140 ही आ जाएगा, तो यह हो गया 140 एलसीएम। अब 5 से 140 को डिवाइड करते हैं, तो 5 × 10 और 4 = 40 हो गया, 5 × 6 तो 28, और 28 का गुणा इसके साथ, तो यह हो गया 28 प्लस 140 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 26 = 26। अब इसको जोड़ लीजिए 28 और 26 होगा 8 × 14 = 54 और बटा 140 × 9 होगा 280। तो तीसरा परिमेय संख्या मिला 54/280। तो ये परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो तरीके हैं। रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, और इन दोनों तरीकों से हम आसानी से परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं।